हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एन के फार्मेसी नॉलेज पर, जहां पाते हैं दवाइयों से संबंधित अच्छी और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम माताओं बहनों के लिए काफ़ी इफेक्टिव टॉनिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम जानेंगे एमिकॉर्डियल सिरप के बारे में। जी हाँ गाइस, जो कि एक फीमेल हेल्थ रेस्टोरेटिव टॉनिक है और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स इसको किन किन कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं और क्या इसकी डोज बताते हैं और क्या इसको लेने का सही तरीका रहता है। दोस्तों, सभी बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की जो जानकारी है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक कम्प्लीट वॉच करें। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिरप के मेन यूजेज के बारे में, यानी कि किन किन कंडीशन में डॉक्टर्स इस सिरप को एडवाइस करते हैं। फ्रेंड्स, एमिकॉर्डियल सिरप उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है जिन्हें पीरियड्स के समय बहुत अधिक दर्द होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं होता है, यानी कि पीरियड्स समय से नहीं आता है, पीरियड्स रुक रुक कर आना या फिर बार बार पीरियड्स का आना, कभी कभी किसी महिला को महीने में दो बार पीरियड्स आ जाता है, तब ऐसी कंडीशन में ये सिरप इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। पीरियड्स का इरेगुलर होना, यूटेरस का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। जी हाँ गाइस, अगर किसी महिला को, किसी भी लेडीज़ को ये सारी प्रॉब्लम है तो वे अपने गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एमिकॉर्डियल सिरप का यूज़ कर सकती हैं, यानी कि पीरियड इरेगुलर होते हो, यानी कि रेगुलर पीरियड नहीं होना। इसके अलावा यूटेरस में कई बार कमजोरी बन जाती है महिलाओं में, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, यानी कि यूटेरस का कमज़ोर होना भी एक तरह से रीज़न है प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाने का। तो दोस्तों, इस तरह से और भी कई सारी समस्याएं हैं जिस वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, जिनमें हमारे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स इस सिरप को काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं और उनकी ये चॉइस मेडिसिन भी रहती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोन इन्वेलेंस हो जाना, यानी कि कई बार जब महिलाओं में हार्मोनल जो होते हैं वो इन्वेलेंस हो जाते हैं हार्मोन, इसके अलावा उनमें खून की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। इसके साथ ही दोस्तों, जब लेडीज़ों में कई बार नलों में सूजन जैसी प्रॉब्लम आ जाना और उनको कमर पेड़ों पे दर्द होना, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं में ये जो सिरप है बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और हमारे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर इस सिरप को बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके कुछ मेन यूजेस रहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं नेट वॉल्यूम इसका 200 ml रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी फार्मा कंपनी की, तो एमिल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बड़ी पुरानी मेडिसिन कंपनी है, बहुत सारी दवाएँ मार्केट करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इसके मार्केट प्राइस को हम जानें तो यहाँ आप देख सकते हैं 182 रुपये इस पर MRP मेंशन है, यानी कि आपको 180 रुपये में लगभग आपके एरिया में सभी फार्मेसी स्टोर्स पर मिल जाता है। दोस्तों, डोज़ की बात करेंगे तो डोज सेक्शन में, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जिस तरह से आपके डॉक्टर ने एडवाइज़ किया आप डोज़ को उसी तरह से लेंगे तो बेटर है। वैसे तो नॉर्मली जो हमारे डॉक्टर्स डोज़ को एडवाइज़ करते हैं, उसमें 2 चम्मच सिरप सुबह तथा 2 चम्मच सिरप शाम को खाना खाने के बाद यूज़ करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से सिरप के यूजेज रहते हैं, डोज रहती है। दोस्तों, बेनिफिट्स को जानेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लेडीज़ों के लिए बहुत सारी समस्याओं में, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये सिरप काम में आता है, उनको ठीक करता है। जैसे कि लेडीज़ों में जब पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, लेडीज़ों में कमर से लेकर के पेड़ों और पैरों में दर्द होना, ऐसी समस्याओं को ठीक करता है, नलों में सूजन आ जाना या फिर यूटेरस से रिलेटेड वीकनेस उनको आ जाना, यानी कि यूटेरस की कमजोरी बन जाना, तो लगभग कह सकते हैं लेडीज़ों में होने वाली ज़्यादातर समस्याओं में ये सिरप बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और इसके बहुत सारे यूजेस लेडीज़ों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एमिकॉर्डियल सिरप का कम्प्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली नई मेडिसिन रिव्यू की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।